तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो आप वेबसाइट देख सकते हो इसके मदद से आप जैसे चाहे जो है कार्टून बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे साइड में एग्जांपल देख सकते हो, दिखाया जा रहा है कि कैसे एक मेंढक का कार्टून बना के आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हर तरह का कार्टून आप क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो, चाहे वो इंसान का हो, ह्यूमन का, या फिर जैसा चाहे आप बना सकते हो। तो कैसे क्या होगा सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से आप जो है वीडियो बना सकते हो, तो बस इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना हो। तो दोस्तों इससे पहले कि हम जो है अपना एनिमेटेड वीडियो बनाएं, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप वीडियो बनाने वाले हो। लाइक अगर एक बंदा है, मान लो कि हमारा जो कैरेक्टर है उसके बारे में और उसी के साथ जितने भी कैरेक्टर्स उस वीडियो में होने वाले हैं उन सभी के बारे में आपको जो है स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वीडियो बनाओगे कैसे। उसके बाद दोस्तों आपको ऑडियो चाहिए होगा, या तो आप ऑडियो पहले से रिकॉर्ड करके रख सकते हो, या फिर जब मैं बनाऊंगा वेबसाइट के अंदर वो एनिमेशन तभी आप ऑडियो ऐड कर सकते हो। नंबर 3 जो है एनिमेशन साइट, जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से वेबसाइट से बस एक क्लिक में आप अपना जो है एनिमेशन वीडियो बना सकते हो बहुत ही आसानी से। और उसके बाद इन तीनों को मिला के आपको जो करना पड़ेगा है वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या है कि पूरे वीडियो को आपको एडिटिंग वगैरह करके फाइनल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ कैसे होगा वो इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे कई सारे लोग पूछते हैं कि आखिर ये सारे एनिमेटेड वीडियोस जो है मोनेटाइज होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले बता दूं मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, कंटेंट आपका जो है खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर कंटेंट आपका खुद का है तो 100% मोनेटाइज होगा। जहां तक दोस्तों फेस कैम की बात है तो यहां पे आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आप 10 से 20 वीडियो अपलोड करते हो अपने चैनल पे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर वॉच टाइम हो जाएंगे आपको, 5 वीडियो अपलोड करोगे तो मेरे भाई आपका सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे करना क्या है कि जब आप 10 वीडियो पार करते हो, मान लो कि मैंने 10 वीडियो बना लिया, उसके बाद 11वां वीडियो आपको जो है कार्टून का नहीं बनाना है बल्कि आपको ह्यूमन बॉडी का बनाना है। लाइक आप अपने सब्सक्राइबर से बात कर सकते हो कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो, इस तरह से आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो, तो आपका जो है एक फेस कैम वीडियो आपके चैनल पे आ जाएगा। और जब फेस कैम वीडियो एक भी रहता है आपके चैनल पे तो चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है। वो बस आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है कि हाँ आप रियल बंदे हो और आप कंटिन्यू काम कर रहे हो। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस वेबसाइट का जो है लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, यहाँ पे आके आप अपना कैरेक्टर जो है बना सकते हो। यहाँ पे कैसे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे जैसे आओगे तो हर एक डिटेल बताया जाएगा, हाउ टू मेक एन एनिमेशन फॉर यूट्यूब। यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर एंड ऑडियो चाहिए जो कि आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा आपको उसे देख के अच्छे से कस्टमाइज करना पड़ेगा। तीसरा उस वीडियो को डायरेक्ट डाउनलोड करके आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब देखो कोई भी चीज़ अगर आप बनाने जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बना बनाया मिल जाएगा। क्रिएटिविटी अपने अंदर होती है। कई इंसान जो है पत्ते से भी क्या क्या पेंटिंग वगैरह बना लेता है, और कई इंसान को साला पेन और पेपर दे दो फिर भी वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। क्रिएटिविटी अपने भीतर होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक योर फेवरेट कैरेक्टर, मतलब अपने को कैरेक्टर चूज करना है। ऐड योर ऑडियो और रिकॉर्डिंग, जो हमारा ऑडियो है उसे हम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट में लिख के करें या फिर दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से। उसके बाद कस्टमाइज्ड इट, तो यहाँ पे हमें इसे कस्टमाइज करना पड़ेगा कि हम कैसे इसे जो है रखना चाहते हैं। शेयर योर एनिमेशन ऑन यूट्यूब एंड ऑडियंस, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको देख सकते हो मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको ले जाया जाएगा होम पेज पे। तो जैसे आप होम पेज पे आओगे, देखने में यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन है बहुत आसान। यहाँ पे आपको साइड में देख सकते हो एनिमेट फ्रॉम ऑडियो बीटा का ऑप्शन दिया हुआ है। एनिमेट कैरेक्टर इन सेकेंड यूजिंग योर फ्री ऑनलाइन एनिमेशन टूल। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, साइज का ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से साइज के लिए वीडियो बनाना चाहते हो। कई लोग जो है शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो शॉर्ट यहाँ से मान लो कि अगर आप एक फैक्ट का चैनल ओपन करते हो, अब फैक्ट का चैनल ओपन करते हो उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए होता नहीं, बस एक कैरेक्टर होना चाहिए और उसके ऊपर तो आप ओवरले लगाते ही हो और भी कई सारे जो है इफेक्ट्स वगैरह लगाते हो। तो यहाँ पे आप जो ये वाला चूज़ कर सकते हो 19:16 का, ये चूज़ कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे लैंडस्केप चूज़ कर सकते हो, जो कि यूट्यूब का मेन वीडियो होता है जो कि हम लोग देखते हैं। तो ये चूज़ करने के बाद
बैकग्राउंड आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा, यहाँ से आप कोई सा भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस क्लिक करोगे, थोड़ी देर में ये बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो है बैकग्राउंड अपना चेंज कर दिया है। अभी रुक जाओ एक मिनट। हाँ, बैकग्राउंड पे यहाँ पे आप खुद का भी जो है अपलोड कर सकते हो फोटो, जो चाहे फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, आपके बैकग्राउंड में चला आएगा। तो यहां से आप खुद का भी फोटो अपलोड कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा चूज एन ऑडियो फॉर फाइल, ठीक है ना। यहां पे आप ऑडियो फाइल जो अपना खुद का रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ होगा कहीं, तो वो भी लगा सकते हो। अदरवाइज यहां पे डायरेक्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले वाले कैरेक्टर वाले ऑप्शन में आते हैं। ऑल कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, ह्यूमंस देखने को मिल जाएगा, इंसानों वाला वीडियो बना सकते हो। उसके बाद फ्रूट्स एंड फूड देखने को मिल जाएगा, अगर कोई खाना पीना है उसका वीडियो बना सकते हो। मान लो कि अगर आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हो जहाँ पे फूड्स के बारे में बता रहे हो, तो आप यहाँ से कोई सा भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, नीचे आपको स्केल का ऑप्शन मिलेगा, इससे देख सकते हो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है इस कैरेक्टर को एडजस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो कि ये इधर आके खड़ा हो जाए, इधर आके खड़ा हो जाए, तो इधर मूव कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दो कैरेक्टर लेके इधर एक लगा सकते हो, इधर भी एक लगा सकते हो। टोटली आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप चाहो तो बैकग्राउंड जो है, इस बैकग्राउंड की जगह ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हो। अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो तो बैकग्राउंड रिमूव करके अदर एडिटर एप्लीकेशन के मदद से कहीं पे भी उस बैकग्राउंड को एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। देख सकते हो इसे मैं यहाँ पे लेके चला आया। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप कैरेक्टर वाले ऑप्शन में आते हो तो सारे कैरेक्टर्स आपको दिखा दिए जाएंगे, चाहे वो कार्टून का हो, चाहे इमोजी का हो, चाहे ह्यूमंस का हो, हर एक कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे कैरेक्टर को आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लाइक मैं अगर इसका चूज कर लेता हूँ, इस लेडी का देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक कार्टून अच्छा खासा बना सकता हूँ, देख सकते हो मस्त यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएगा। अब दोस्तों इस बैकग्राउंड को हटा के अगर मैं यहाँ पे जो है ग्रीन स्क्रीन लगा दूँ, और उसके बाद जब हम एडिटिंग करने जाएंगे, एडिटिंग के वक्त हम ग्रीन स्क्रीन हटा देंगे और इसको मोशन में डाल देंगे। देखो अगर आप एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत एडिटिंग तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये सब ख्याल छोड़ दो, पहले जाके एडिटिंग सीख के आओ। अभी दोस्तों यहाँ पे मान लो कि मैं इससे कुछ बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये मैं इस गुंडे से कुछ बुलवाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, अलाउ कर दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी हम बोलेंगे ये कैरेक्टर थोड़ी देर बाद वही चीज बोलेगा, और इसके हर एक मूवमेंट को आप जो है बाद में कैप्चर कर पाओगे। तो जैसे आप डन पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा तो टाइम ये लेगा क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग वगैरह कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसिंग कंप्लीट होने देना है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप सभी देख सकते हो हमारा कैरेक्टर जो है बन के आ चुका है। जो हमने बोला एग्जैक्टली ये वही बोलेगा, वो भी मोशन के साथ। हर एक कैरेक्टर का एक अलग मोशन होता है और वो उसी मोशन में परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, या तो आप फिर से जाके एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो या फिर यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है टोटल लिमिटेड है। लाइक आप कैरेक्टर से बुलवा सकते हो, एक्टिविटी करवा सकते हो, लेकिन इसे पूरी तरह एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करना है और सारे कैरेक्टर को जो है सबसे पहले जो है मोशन में ला लेना है, और उसके बाद ग्रीन स्क्रीन की मदद से आप बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पे वीडियो को एडिट करके अच्छा खासा एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो। और एनिमेटेड वीडियो होता भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 2 से 3 मिनट का होता है, तो बहुत ही आसानी से आपको व्यूज भी गेन हो जाएंगे और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। देख सकते हो जो मैंने बोला था वही ये कैरेक्टर अभी बोल रहा है विथ मोशन के साथ, ठीक है ना। देख सकते हो अच्छे खासे मोशन के साथ, जैसे जैसे आप बात करोगे उस बात के अनुसार ये खुद के मोशन को चेंज करेगा। तो जैसे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बात करता है उसी तरह देख सकते हो ये अपना मोशन चेंज कर करके बात कर रहा है। और यहाँ पे एक ही चीज की प्रॉब्लम है, आपके पास थोड़ा इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। अब मान लो कि मैंने ये जो है वीडियो बना लिया, तो यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अकाउंट बना लेना है, अकाउंट बनाने के बाद इस वीडियो को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो मैं आपको जो है बस बेसिक चीजें बता सकता हूँ कि कैसे क्या होता है, बाकी आपको बनाना खुद ही पड़ेगा। आपको स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर आप कैसे यहां से कैरेक्टर को ले सकते हो यूटिलाइज करके, उसके बाद उसको एडिटिंग करके अच्छा खासा प्रोफेशनल बना सकते हो। तो यहां से सीधे डाउनलोड करके आप अच्छा खासा एनिमेशन वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। अभी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं,
एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आपको सर्च करना है। तो अगर आप एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सर्च करोगे ना, देख सकते हो 3 मिनट का 2 मिनट का 4 मिनट का वीडियो आपके सामने आएगा, या फिर एनिमेटेड कार्टून सर्च करोगे, कार्टून भी सर्च करोगे, तो यहाँ पे जो वीडियोस आएंगे उसी के नीचे आपको खुद का वीडियो रैंक करवाना है। तो आप यहाँ पे कैसे रैंक करवा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि अगर ये कोई कार्टून है, ठीक है ना, इसके नीचे आप खुद का वीडियो रैंक करवाना चाहते हो, तो आपको इसको सबसे पहले ओपन करना है। इस वीडियो को ओपन करने के बाद इसका जो टाइटल मिलेगा, तो इसका जो टाइटल है तो इसी रिलेटेड आपको खुद का टाइटल भी रखना है। और देख सकते हो इसके नीचे देख सकते हो सारे कार्टून वाले वीडियो आने लगे। तो जब आप ऐसे शॉर्ट फिल्म अपलोड करोगे तो आपका भी वीडियो इन्हीं के लिस्ट में आएगा, इन्हीं के आसपास आपका भी वीडियो दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है कि यहाँ पे देख सकते हो 6.8 मिलियन 3.4 मिलियन, मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ इन लोगों को मिलता है। तो अगर आप कोई सा भी कार्टून वगैरह अपलोड करोगे ना तो उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको 70,000 1,00,000 1.5 लाख भी व्यूज आ जाते हैं एक कार्टून पे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो ये एनिमेटेड एडोबे है, ये आपको स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए फ्री मिलता है, उसके बाद आपको पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे किसी को रेफर करते हो, मान लो कि मैंने दूसरे लोगों को अपने लिंक से रेफर किया और उसने अपना अकाउंट बनाया, तो मेरे को जो है एक क्रेडिट दिया जाएगा। एक क्रेडिट के मदद से आप एक वीडियो एडिट कर सकते हो। तो एक वीडियो, तो एक यूट्यूब वीडियो के लिए एक वीडियो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेफर करके जो है अर्निंग कर सकते हो। ऑनलाइन पे आप सर्च करो, इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक टैग्स की बात है, तो यहाँ से आप इन लोगों का जो है URL कॉपी करके क्रोम में जाके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर, ठीक है ना। यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर सर्च करोगे तो यहाँ पे कई सारी वेबसाइट आ जाती है। तो इन सारे वेबसाइट के अंदर अगर आप उस वीडियो का लिंक डालोगे, लाइक मैं अगर किसी भी वीडियो का लिंक कॉपी करता हूँ और इस वेबसाइट के अंदर अगर डाल देता हूँ ऐसे करके, लाइक यहाँ पे डाल देता हूँ, सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को सारे टैग दिखा दिए जाएंगे उसके वीडियो में कौन कौन से टैग हैं। तो हर एक टैग कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ टैग जो कि आपको पसंद आए उन सबसे कॉपी पेस्ट कर लेना और बाकी अपने से भी लिख लेना, क्योंकि पूरा कॉपी पेस्ट करोगे तो इसके नीचे आएगा नहीं आपका वीडियो। तो इस तरह से आप जो है खुद का जो है एनिमेशन बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, लेकिन ट्राई करोगे तो 100% हो जाएगा।